तो क्या हाल चाल है भाई लोगों, उम्मीद कर रहा हूँ सभी लोग आप बहुत ज्यादा अच्छे हो। गाइज, आज की जो वीडियो है इसमें मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ ओलिम्प ट्रेड 1 मिनट बेस्ट वर्किंग स्ट्रेटेजी 2022। गाइज यार, आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनको अभी भी ओलिम्प ट्रेड 1 मिनट स्ट्रेटेजी चाहिए, इवन यार वर्किंग स्ट्रेटेजी, ठीक है। तो यार आज की वीडियो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर होने वाली है कि हाउ यू विल डिसाइड टू ट्रेड इन अप डायरेक्शन और इन डाउन डायरेक्शन। क्या फैक्टर्स होंगे, कौन कौन से इंडिकेटर्स होंगे जिसकी वजह से हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि ट्रेड हम ओलिम ट्रेड में अप डायरेक्शन के लें या फिर हम डाउन डायरेक्शन के लें। इवन गाइज, इफ यू आर ट्रेडिंग इन एनी अदर प्लेटफॉर्म एज वेल लाइक क्यूटेक्स और ओलिम ट्रेड या आईक्यू ऑप्शन, बाइनोमो, वॉट एवर, पॉकेट ऑप्शन, ठीक है, एवा ट्रेड या जो भी है, ये जो कॉन्सेप्ट है ऑलमोस्ट हर प्लेटफॉर्म के ऊपर सिमिलर वर्किंग है। बट इन दिस वीडियो मैं ट्रेड कर रहा हूं ओलिम ट्रेड के ऊपर। सो नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू 1 मिनट वर्किंग स्ट्रेटेजी फॉर ओलिम ट्रेड, और ये बिगिनर्स के लिए बहुत ही ज्यादा अमेजिंग स्ट्रेटेजी है गाइस। तो सबसे पहले वीडियो में आगे मैं प्रोसीड करूं उससे पहले गाइस, अगर अभी भी आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर यार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, जिससे क्या होगा कि जो भी एजुकेशनल कॉन्टेंट या जो भी स्ट्रेटेजी, वर्किंग स्ट्रेटेजी या टेक्निकल एनालिसिस की वीडियोज में आप लोगों के लिए बनाता हूं, उनके नोटिफिकेशंस आपके पास में पहुंच पाएंगे और आप सबसे पहले अपने स्किल को बूस्टअप कर पाओगे। इवन दो यार, अगर अभी भी आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम के बारे में थोड़ा बताऊं तो यहां पर मैं अपने वीआईपी मेंबर्स को टाइम टू टाइम यहां पर मैं सिग्नल्स प्रोवाइड करता हूं जिनकी कॉस्ट बिल्कुल जीरो होती है, कोई हिडन चार्ज नहीं होता है, सब कुछ फ्री है। आप ये सिग्नल्स ज्वाइन कर सकते हो एंड जो प्रॉफिट बनाने की जो प्रोसेस है आप उसको स्टार्ट कर सकते हो हमारे साथ में बिल्कुल फ्री। इवन टाइम टू टाइम मैं यहाँ पर ओपन ग्रुप में लर्निंग प्रोवाइड करता रहता हूँ गाइस, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सारे लिंक्स आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, फटाफट से जाओ। नाउ बात करते हैं ओलिम ट्रेड वर्किंग स्ट्रेटेजी के बारे में। तो यहां से इंडिकेटर के ऑप्शन पर आपको जाना है। सबसे पहला जो ऑप्शन आपको लेकर के आना है अपने चार्ट के ऊपर गाइस, बॉलिंजर बैंड, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बताऊं यार, यहां पर देखो यार, बॉलिंजर बैंड जो होता है, अगर यहां से मैं इस पर जब क्लिक करूंगा तो आप लोगों को ये जो एक सेटिंग आपको दिख रही होगी जहां पर स्टैंडर्ड डेविएशन है और एसएम है। अगर थोड़ा सा शॉर्ट में बात करें तो बॉलिंजर बैंड का ये 20 पीरियड का एसएमए होता है, मतलब मूविंग एवरेज होता है, इवन सिंपल मूविंग एवरेज होता है गाइस, ठीक है। और इसके अगर स्टैंडर्ड डेविएशन को 2 टाइम हम इसमें से डिक्रीज करेंगे तो ये लोअर बैंड आ जाता है, और 2 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशंस ऐड करेंगे तो ये गाइस हमारा अपर बैंड आ जाता है। इस तरीके से कुछ बॉलिंजर बैंड की फॉर्मेशंस होती हैं, ठीक है। तो बॉलिंजर बैंड से हमको क्या पता चलेगा हमारी ट्रेड में, वो ये पता चलेगा गाइस, हमको ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, एक सिंपल सा लॉजिक मैं आप लोगों को बताता हूं। यहां पर जैसे ये 1 मिनट का चार्ट, अभी कैंडल्स बन रही है, 1-1 मिनट की कैंडलस्टिक, ठीक है। तो हम सबसे पहले ये ध्यान रखेंगे कि ये 1 से 2 मिनट की ट्रेड हम करेंगे, मतलब इस स्ट्रेटेजी जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ओलिम्प ट्रेड बेस्ट वर्किंग स्ट्रेटेजी, ठीक है। तो ये क्या है, आप 1 से 2 मिनट के लिए अपनी ट्रेड्स ओपन करेंगे, नो मैटर इन अप और इन डाउन, ठीक है। नाउ कॉन्सेप्ट की बात करते हैं गाइस। सबसे पहले मैं क्या देखूंगा, मुझे ज्यादा कुछ नहीं करना है, आप जितना चार्ट आपके स्क्रीन पे विजिबल है और जो करंट कैंडल चल रही है उसके बाद का मैं मार्केट देखूंगा। तो लेट सपोज यहां पर ये 44-43 सेकंड्स वाली कैंडल चल रही है, तो इसके पीछे का मैं मार्केट देखूंगा। तो गाइज यहां से मुझे पता चल रहा है कि मार्केट का ट्रेंड जो है वो अप डायरेक्शन में है। कैसे पता चल रहा है, क्योंकि बॉलिंजर बैंड ये आपको अपर बैंड जो है वो अपर बैंड में कैंडल्स की फॉर्मेशन हो रही है। गाइज कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है, कि कैंडल जो है वो रेड बन रही है या ग्रीन बन रही है। अगर बीच वाली लाइन यानी 20 पीरियड का एसएमए और ऊपर वाले बैंड के बीच में फॉर्मेशंस अगर कैंडल्स की हो रही है, दैट मींस कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है। यहां से मेरे दिमाग में जो पहला कॉन्सेप्ट आएगा कि आई विल ट्राई टू टेक अप डायरेक्शन ट्रेड एज मच एज आई कैन डू, ठीक है। रीजन बताता हूं उसका, क्योंकि देखो यार, सबसे पहला और बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि इफ यू आर ट्रेडिंग अगेंस्ट द ट्रेंड, ठीक है। देखो सिंपल सा लॉजिक है, दुनिया यार ऊपर की डायरेक्शन में जा रही है, जब तक अंटिल एंड अनलेस इफ यू डोंट हैव एनी एडवांस स्ट्रेटजी और एडवांस स्किल्स, देन आप डू नॉट
गो, और आप ट्रेंड के अगेंस्ट जाकर के ट्रेड मत करो, ठीक है। अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट जाकर के ट्रेड्स करोगे तो दैट मींस कि आप पहले से ही एक रिस्क लेकर के बैठ गए हो, तो ये चीज आपकी क्लियर हो गई, ठीक है। नाउ ट्रेड करके बताऊंगा, कुछ एडवांस चीजें बताऊंगा, वो आप समझने की कोशिश करो। अब यहां से क्या हो रहा है गाइस कि ये $200 यहां पर मेरा एक अमाउंट है, ठीक है। आफ्टर 15 सेकेंड्स, 15 सेकेंड के बाद व्हाट आई एम, एक 9 सेकेंड्स, ठीक है, 9 सेकेंड्स के बाद मैं क्या करने वाला हूँ, सॉरी 5 सेकेंड्स हो गया, मुझे 15 सेकेंड्स मुझे देखना है, ठीक है। 15 से यहां पर मल्टीपल ट्रेड्स जो है वो गाइस मैंने अप डायरेक्शन के लगा दिए, विदाउट कुछ भी ज्यादा सोचा नहीं है, कुछ भी ज्यादा समझा नहीं है, मैंने एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट जिसके बेसिस पर मैं मैक्सिमम टाइम ट्रेड्स करता हूँ, ठीक है। ज्यादातर मैं ये कॉन्सेप्ट यूज करता हूँ अपनी पर्सनल ट्रेडिंग में, तो उसके कॉन्सेप्ट पर ये ट्रेड मैंने अप डायरेक्शन की तरफ लगाए हैं। नाउ क्या मेरी साइकोलॉजी है, देखो यार मैं आप लोगों को यही चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आपकी एजुकेशन, ठीक है, सही जगह पर हो रही है, आप सही चीजें सीखते हो, तो डेफिनेटली आप लोग अच्छे प्रॉफिट्स कर सकते हो। मैं आपको यहां पर बॉलिंजर बैंड में जो चीज समझाने वाला हूं, ठीक है, बहुत ज्यादा आपको काम आएगी, ट्रस्ट मी गाइज, इससे आपको अच्छे रिजल्ट्स भी मिलेंगे। तो 15 सेकेंड्स या 14 सेकेंड्स के बाद डैम श्योर कि ये ट्रेड्स हम विन करेंगे, ठीक है। देख लेते हैं एक बार यहां से कितना टाइम रह गया, 10 सेकेंड्स, एंड प्रोबेबली ये कैंडल जब क्लोज होगी तो हम $1,148 के प्रॉफिट में, ये देखो आप, ठीक है, जो हमने ऑलरेडी बुक कर लिया है। नाउ बात कर रहा था मैं आपसे कुछ, तो ये चीजें मैं थोड़ा सा आपको बताने वाला हूं, उससे पहले एक और इंडिकेटर हम अपने चार्ट के ऊपर लेकर के आ जाते हैं गाइज, दैट इज योर, यहां से आपको कुछ भी नहीं देखना, कहां गया पैराबोलिक, पैराबोलिक एंड आपको क्या लेकर के आना है गाइज अपने चार्ट के ऊपर, बोलिंजर बैंड। मैं आप लोगों को अब यहां पर स्ट्रेटेजी बताता हूं कि क्या है। सबसे सिंपल चीज गाइस देखो, हम यहां पर तीन कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे आज, तीन कॉन्सेप्ट्स, जिसमें से पहला कॉन्सेप्ट होगा आपका मार्केट का ट्रेंड, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट आपका होगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का, ठीक है। तीसरा कॉन्सेप्ट आपका होगा ब्रेकआउट, ठीक है गाइस। तीन चीजें मैं स्क्रीन पे एक बार दोबारा से यहां पर मेंशन करता हूं। पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है हमारा ट्रेंड्स का, कि हमारा ट्रेंड किस डायरेक्शन का है। दूसरा हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा गाइस सपोर्ट का एंड रेजिस्टेंस का। तीसरा हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा ब्रेकआउट का, ठीक है। ये तीन कॉन्सेप्ट्स हैं जिनकी मैं आज इस वीडियो में आप लोगों के थ्रू बात करने वाला हूं, ठीक है। तो मेक श्योर करना यार अभी से आप इस वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो, ठीक है। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जाओ यार टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, इसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ठीक है, जिसमें आज हम ओएलएम ट्रेड में बात करेंगे, ट्रेंड्स की, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, एंड ब्रेकआउट की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेंड को कैसे देखते हैं गाइस, ठीक है। ट्रेंड्स को देखने का सिंपल सा लॉजिक है, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। जैसे ही आप बॉलिंजर बैंड के ऊपर लेकर के आओगे, अपने चार्ट के ऊपर लेकर के आओगे, तो आपको ये देखना है कि मार्केट का ट्रेंड अगर ऊपर वाले बैंड में है तो इसका मतलब अप ट्रेंड है, ठीक है। और अगर यहां से कैंडल्स आपकी डाउन डायरेक्शन में फॉर्म हो रही है, मतलब मिडिल बैंड एंड लोअर बैंड के बीच में फॉर्म हो रही है, तो दैट मींस कि मार्केट का जो ट्रेंड है गाइस वो डाउन डायरेक्शन का है। पहला कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, सिंपल है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। नाउ अब देखो, कभी कभी आपको जो ऐसी बड़ी कैंडल्स मिलती है गाइस, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, हम किसी भी डायरेक्शन की ट्रेड प्रेडिक्ट कर करेंगे, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, बट फर्क उससे नहीं पड़ता है, फर्क इससे पड़ता है कि क्या हमारा कॉन्सेप्ट हमें वर्क करके दे रहा है। तो यहां पर एक मैं और ट्रेड डाउन डायरेक्शन की गाइस विद इन फ्यू सेकेंड्स, नाउ मल्टीपल ट्रेड्स गाइस, ठीक है। यही पॉइंट क्यों लिया है मैंने, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा सा वेट करते हैं ट्रेड को क्लोज होने तक का, ठीक है। तो मैं आपको ये भी एक्सप्लेन करूंगा कि इतना बड़ा मूवमेंट होने के बाद में, इतना बड़ा कैंडल में वॉल्यूम होने के बाद भी मार्केट के अगेंस्ट जाकर के, ट्रेंड के अगेंस्ट जाकर के, यहां पर इस वाले पॉइंट पर मैंने डाउन डायरेक्शन का ट्रेड क्यों लिया है गाइस, ठीक है। बहुत सारे लोगों को हो सकता है ये पॉइंट्स, कुछ चीजें, अगर आप मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर्स हो, आप मेरी वीडियोस को देखते हो, पसंद करते हो, तो आपको कई बार ये चीजें मैंने एक्सप्लेन करी हैं कि कैसे यार आप 1 मिनट से 2 मिनट की ट्रेड करके
मार्केट से एक अच्छा खासा बढ़िया पैसा, एक बढ़िया प्रॉफिट इनकम जनरेट कर सकते हो गाइस, ठीक है। तो अगेन आप लोग देख लो, 15 सेकंड्स का टाइम है। इवन दो यार ये चीजें करने के लिए आपको मार्केट में थोड़ा सा रिस्की होना पड़ेगा, वॉलेटाइल मार्केट है, सब कुछ है यहाँ पर। 3 4 2 सेकंड्स के बाद यहाँ पर ऑलमोस्ट हम प्रॉफिट कर गए हैं यहाँ पर सारी ट्रेड्स, ऑलराइट सब ट्रेड्स। अब देखो यार, सिर्फ बात यहां पर ये नहीं आती कि मार्केट में हमने यहां पर प्रॉफिट किया या लॉस किया। हो सकता था मेरा लॉस हो जाता, बट क्या गाइस, यहां से मेरी प्रिडिक्शन थी मार्केट 1 मिनट के लिए डाउन रहेगा, तो मार्केट 1 मिनट के लिए यहां पर डाउन है। ये मैटर करता है, ठीक है ना, कि ये मैटर करता है कि ट्रेड से प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। ये चीजें आप इग्नोर किया करो प्लीज, ठीक है। प्रॉफिट हो रहा है तो मेरा हो रहा है, लॉस हो रहा है तो मेरा हो रहा है, बट मैं जो मार्केट में प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि 1 मिनट के लिए मार्केट अप रहेगा डाउन रहेगा, वो मैटर करता है। वो चीजें मैं आप लोगों को यहाँ पर सिखाने के लिए आ जाया हूँ, ठीक है। नाउ बात करते हैं ट्रेंड्स की। यहां पर देखो अपर बैंड का झुकाव किस तरफ है। आप यहां पर देखो कि अपर बैंड ऊपर की डायरेक्शन में ऊपर हो रहा है, ठीक है। आप लोगों को एक चीज तो मैंने ये बता दी ट्रेंड देखने की, कि मिडिल बैंड अपर बैंड इसके बीच में कैंडल्स की फॉर्मेशन, दैट मींस मार्केट का ट्रेंड अप है। लेकिन अगर आपको ये दिख रहा है कि मार्केट में कैंडल अपर बैंड में फॉर्म हो रही है, और जो आपका बॉलिंजर बैंड है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ गाइस, ठीक है, अगर जो आपका ये बॉलिंजर बैंड है अगर थोड़ा और ओपन की ऊपर की साइड में ओपन हो रहा है, दैट मींस कि बॉलिंजर बैंड इज आपको क्या बता रहा है, कि बॉलिंजर बैंड आपको बता रहा है कि मार्केट कैन रीच अप टू दिस लेवल, ठीक है। यानी मार्केट यहां पर, आपको मार्केट यहां पर बता रहा है कि मार्केट में क्या हो सकता है कि जो इस असेट का जो प्राइस है वो हाई वॉल्यूम पर हाई वॉलिटिलिटी के साथ में यहां तक जा सकता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर ये रेड कैंडल बन रही है, रेड कैंडल बन रही है, ये भी रेड कैंडल्स बनी है, तो क्या मेरा ट्रेंड डाउन डायरेक्शन का हो गया? फॉर ए शॉर्ट टर्म, इतने टाइम पीरियड के लिए यस इट इज इन डाउन ट्रेंड, बट ओवरऑल जितना मुझे चार्ट पर दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग मार्केट का जो ट्रेंड है वो अप डायरेक्शन का है। तो ट्रेंड आपको क्लियर हो गया। थोड़ा सा और बताता हूं मैं आपको, ठीक है। चीजों को थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, डेफिनेटली यू विल गेट सम ऑसम रिजल्ट्स फ्रॉम द मार्केट। एंड ट्रस्ट मी गाइज, दिस इज ए वर्किंग स्ट्रेटेजी। आप 1 मिनट में यूज करो, 2 मिनट में यूज करो, यू कैन यूज दिस स्ट्रेटेजी इवन फॉर 1 मिनट एंड 2 मिनट इन ओलिम ट्रेड स्पेशली, ठीक है। नाउ यहां पर क्या हो रहा है गाइस, यहां पर मैं एक चीज देख रहा हूं कि ये बैंड देखो नीचे की डायरेक्शन में श्रिंक हो रहा है और यहां से ये ओपन हो रहा है, दैट मींस कि इतने लेवल पर जो मुझे मार्केट दिख रहा है ये डाउन डायरेक्शन का है, ठीक है। मार्केट का ट्रेंड डाउन डायरेक्शन का है, तो आपको ट्रेंड इस तरीके से समझना है। नाउ अब हम बात कर लेते हैं गाइस सपोर्ट की और रेजिस्टेंस की। देखो यार, 1000 वीडियोस में मैंने कई बार ये आप लोगों को बताया, नॉट इवन 1000 बट 1000 बारी इन्हीं वीडियोस में मैंने आप लोगों को बताया है कि मार्केट जब ऊपर जाता है और कोई प्राइस उसको बार बार रेजिस्ट करता है, ऊपर नहीं जाने देता, ठीक है, उसको रोकता है, तो वो रेजिस्टेंस होता है। और नीचे जब प्राइस गिरता है, ऊपर उठता है, दोबारा उसी लेवल पर आता है, तो वो पिछला जो प्राइस होता है ये वाला, ये इस टाइम यहाँ पर सपोर्ट देता है। कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है, ठीक है। नाउ अब मेन मुद्दे पर आते हैं कि यहां पर ये बॉलिंजर बैंड लगाकर हमको क्या सपोर्ट और क्या रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो देखो यार, हम अपने उसी ट्रेड्स पर आते हैं जो हमने ट्रेड्स किए थे, मे बी शायद जीबीपी यूएसडी, होपफुली जीबीपी यूएसडी पर हमने ट्रेड किया, ठीक है। अब यहां पर हम इस कैंडल की बात करते हैं गाइस। देखो यार, जब भी मेरा मार्केट ऊपर से नीचे आएगा, और तो मिडिल जो हमारा बैंड है ये कोई नहीं बताएगा, ये स्ट्रेटेजी आपको कहीं नहीं मिलेगी, तो इसी के लिए अभी से इसको लाइक कर दो गाइस, ठीक है। मार्केट मेरा ऊपर से नीचे जब आएगा तो मिडिल बैंड मेरा क्या देगा? सपोर्ट। लिख लो कहीं पर, ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिलने से क्या होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए आप लिख लो, ठीक है। जब मिडिल बैंड की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, मेरा जो मार्केट है वो जब भी ऊपर से नीचे की तरफ आएगा तो मिडिल बैंड मेरा क्या देगा? इसको सपोर्ट देगा, ठीक है। नाउ इसको हम वेरीफाई करते हैं 2 3 बार। यहां पर देखो, मार्केट ऊपर था, नीचे आया, यहां पर सपोर्ट मिला, ऊपर गया, ठीक है। आप यहां पर देखो, अब देखो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का वीडियो आपने देखा है तो आपको ये भी मैंने बताया होगा कि जरूरी नहीं है इस एग्जैक्ट लाइन पे ही आएगा, ऊपर भी सपोर्ट लेकर के जा सकता है, ठीक है। अब और कहीं देखते हैं,
यहां पर भी हम देख सकते हैं गाइज, मार्केट ऊपर था नीचे आया, इस लेवल के नियर बाई सपोर्ट लेके ऊपर गया, नियर बाई ऊपर, ठीक है। तो आपको यहां पर मैंने क्या बताया गाइज कि जब भी मार्केट, अब ये कैंडल अगर नीचे आएगी तो यहां पर इस लेवल पर आकर के सपोर्ट ले लेगी और ज्यादा रहेगा कि मार्केट ऊपर चला जाए, ठीक है। पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट, जब मेरा जो मार्केट है, ठीक है, अगर मैं बात करूं तो हम कुछ देख लेते हैं चार्ट के ऊपर। जब मेरा मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा तो यही बैंड क्या करेगा, यहां पर रेजिस्टेंस देगा। तो मेरा जो बीच वाली लाइन है, जब मार्केट ऊपर से नीचे आएगा तो ये क्या देता है, सपोर्ट देता है, और जब नीचे से ऊपर जाता है तो रेजिस्टेंस देता है इस पॉइंट पर। तो यहां पर क्या चांसेस ज्यादा रहते हैं कि जब ये बैंड के नियर बाई आएगा, सपोर्ट लेगा, तो चांसेस रहते हैं कि अगर मार्केट क्या है, ऊपर जा सकता है, ठीक है, रिवर्स हो सकता है। जब नीचे से ऊपर जाता है इस लेवल पर मार्केट क्या कर सकता है, रेजिस्टेंस ले सकता है और डाउन डायरेक्शन में आ सकता है। नाउ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहीं पर खत्म नहीं होता है, इसको थोड़ा और एक्सप्लेन मैं करता हूं, हाउ यू कैन थिंक एंड हाउ यू कैन ट्रेड विद बॉलिंजर बैंड, ठीक है, ऑन द बिहाफ ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। नाउ जब मेरा मार्केट नीचे से कोई भी कैंडल रेड बने या ग्रीन बने, जब ऊपर वाली लाइन के नियर बाई पहुंचती है तो ये क्या करता है, मार्केट रेजिस्टेंस देता है, ये बिहेव करता है एज ए रेजिस्टेंस कि मार्केट इससे ऊपर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा गाइस, क्योंकि बॉलिंजर बैंड ने एक ऑलरेडी यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर रखी है ना कि मार्केट जो है वो कैंडल्स जो है वो जो प्राइस जो है वो मैक्सिमम यहां तक जा सकता है। अब हर टाइम जाएगा ऐसा नहीं हो सकता है, समटाइम्स इसको क्रॉस करके ऊपर भी चला जाता है, ठीक है, वो मैं आगे वाले पॉइंट में बताऊंगा, ठीक है। तो अब अगर हम इसको देखें तो आपको एक चीज समझ में आ रही होगी, यहां से देखो नियर बाई, ठीक है, यहां पर मार्केट ने ट्राई किया वापस आ गया, इस कैंडल पे ट्राई किया वापस आ गया, इस कैंडल पे ट्राई किया वापस आ गया, इस कैंडल के बाद वापस आ गया, अगेन वापस आ गया, अगेन वापस आ गया, अगेन क्या जा पाया, तो आप समझ लो कि पिछला एक घंटे का जो मार्केट है, ये 60 कैंडल्स अगर नहीं होंगी तो आधे घंटे का मार्केट मान लो कि ये क्या कर रहा है, ऊपर वाला जो बैंड है आपका क्या कर रहा है, मार्केट को रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। तो आपको समझ आ गया कि ऊपर वाला बैंड क्या कर रहा है, मार्केट को रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। अगर हम बात करें नीचे वाले बैंड की तो क्या हो रहा है गाइस, नीचे वाला बैंड आपका जो लोअर बैंड है वो क्या कर रहा है मार्केट को, देखो मार्केट नीचे आया तो यहां पर एक सपोर्ट मिला, ठीक है, ऊपर गया, यहां पर ये वाला बैंड क्या करेगा, रेजिस्टेंस का काम करेगा, डाउन डायरेक्शन में आ रहा है तो मार्केट यहां पर क्या दे रहा है, रेजिस्टेंस दे रहा है, ठीक है, ऊपर जा रहा है मार्केट। तो इस तरीके से आपको समझना है। अब थोड़ा सा और मैं कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं, देखो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपका हो गया क्लियर, लेकिन एक पॉइंट अभी जो मुझे याद आ रहा है, हो सकता है बाद में भूल जाऊं, तो वो समझ लो, जब भी आपको ऐसा, ठीक है, और अभी जैसा मार्केट यहां पे फॉर्म हो रहा है, ऐसा अगर बॉलिंजर बैंड ऐसा आपको फॉर्मेशंस मिलता है तो आपको ट्रेड करने से बचना है। क्यों बचना है, यही पॉइंट मैं आप लोगों को बताने वाला हूं गाइस, क्यों बचना है वो मैं आपको बताता हूं। देखो क्योंकि यार ऐसा तब होता है जब मार्केट अपने आप को रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में लेकर के जाता है, वॉल्यूम नहीं होता बहुत ज्यादा, मार्केट वॉलेटाइल भी नहीं होता, बायर्स नहीं होते, सेलर्स नहीं होते, तो उस बीच में क्या होता है कि मार्केट अपने आप को कंसोलिडेट करता है। तो उस केस में हमारा क्या होने वाला होता है, उस केस में या तो हमारा ब्रेकआउट होता है, मतलब ऊपर की डायरेक्शन में मार्केट टूटता है, या ब्रेक डाउन होता है नीचे की मार्केट में, नीचे की तरफ मार्केट टूटता है। क्या मेरा मतलब है वो मैं आपको बता रहा हूँ गाइस, ठीक है, थोड़ा सा समझते हैं। एक मैं ऐसा चार्ट आपको दिखाता हूँ जहां पर ये कंडीशन हमें ज्यादा इजीली एक्सप्लेन मैं आपको कर पाऊं, तो फिर आप थोड़ा सा समझेंगे गाइस, ठीक है, थोड़ा सा वेट करते हैं एंड ट्राई करते हैं मार्केट को देखने का, इसको समझने के लिए हम 5 मिनट करते हैं और फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ गाइस, ठीक है। अब देखो जहां पर भी मार्केट आपको ऐसा मिल रहा है, ठीक, ये ऐसा मिल रहा है, तो आपको क्या करना है, ट्रेड नहीं करना है। अब इसको हम यहां पर समझ लेते हैं गाइस, देखो ये आपका मार्केट है, बॉलिंजर बैंड आपको क्लियरली दिख रहा है। अब अगर आप यहां पर ऊपर की ट्रेड करते या नीचे की ट्रेड करते, आपको लॉस होने का चांस बहुत ज्यादा रहता, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल देना चाह रहा हूं जिसमें आपके ये डाउट्स क्लियर हो जाएं कि कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में मार्केट में हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि मार्केट किस डायरेक्शन में ब्रेकआउट देगा, ठीक है, और ब्रेकडाउन होता कैसे है।
यहां पर काफी जगह पर हुआ है, बट मैं आपको एक सॉलिड एग्जांपल देना चाह रहा हूं। देखो मार्केट यहां पर क्या कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, एक रेंज में चल रहा है, ठीक है। बॉलिंजर बैंड्स की मूवमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आप यहां पर समझो कैसे होता है, थोड़ा सा मैं आपको एग्जाम्पल ढूंढ रहा हूं मैं, तब तक आप वीडियो को लाइक कर दो गाइस, ठीक है, क्योंकि अगर आप लाइक करोगे तो ज्यादा मुझे मोटिवेशन रहेंगी। अब देखो यहां पर आप समझो, एग्जाम्पल नहीं है बट मैं आपको बताता हूं। यहां पर मेरा ये बॉलिंजर बैंड है, ठीक है, ये मेरा बॉलिंजर बैंड है, मार्केट यहां पर चल रहा है। अगर मेरी कैंडल्स, ये मिडिल बैंड है, अगर मेरी कैंडल्स यहां पर इस पॉइंट पर, ये वाली लाइन 20 पीरियड की ऐसे में गाइज, इस पॉइंट पर रेड रेड कैंडल्स अगर ज्यादा बन रही हैं, ठीक है, नियर बाई आता जा रहा है, डाउन डायरेक्शन में मूवमेंट्स आपको देता जा रहा है, दैट मींस कि ब्रेक डाउन आपका होगा, मार्केट नीचे आएगा। क्लियर और नॉट? मतलब क्या हो गया कि जो मेरा सपोर्ट लेवल है वो टूटेगा, ब्रेक डाउन होगा नीचे की डायरेक्शन में, ठीक है। अगर नियर बाई अपर बैंड में मार्केट ज्यादा स्टक करता है, ठीक है, अपर बैंड की तरफ ज्यादा स्टक करता है, तो मेरा अप डायरेक्शन का ब्रेकआउट होगा और नियर बाई रेड कैंडल्स बनती हैं, और डाउन डायरेक्शन में ज्यादा मार्केट स्टक करता है तो आपका ब्रेकडाउन होगा। एक और चीज मैं बता दूंगा इस, ठीक है, सॉलिड चीज मैं आपको बताता हूं। यहां पर देख लेते हैं, यहां पर हम देखते हैं, ठीक है, देखो यहां पर क्या हो रहा है, मार्केट ये अपर बैंड, यहां तक अपर बैंड है, तो आप कैंडल्स को देखो तो मार्केट कहां स्टक कर रहा है, यहां पर रेजिस्टेंस ले रहा है, ले रहा है या नहीं ले रहा है, बट ये मेरा अपर बैंड में मिडिल लाइन के नियर बाई रेजिस्टेंस ले रहा है, दैट मींस कि यहां से एक अप डायरेक्शन का ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है, इस वाली कैंडल पे। तो आपको ट्रेड कहां लेना है, ये ऐसा ब्रेकआउट है गाइस जो आपके इस काफी टाइम से जो रेजिस्टेंस था यहां पर इसी लेवल पर, इसको तोड़ करके ऊपर गया है, और ये 15 मिनट का चार्ट है गाइस, ठीक है। अगर 15 मिनट से आप देख रहे हो तो 15 से 18 मिनट की ट्रेडिंग आप कर सकते हो, ठीक है, ऊपर की डायरेक्शन में। अब ऐसे ही कोई कैंडल आपकी यहां पर भी मैं आपको दिखा देता हूं, जो डाउन डायरेक्शन में की तरफ यहां पर ब्रेक डाउन दे रही हो। अब यहां पर भी आप देख लो, ये मेरा मिडिल बैंड है, ठीक है, ज्यादातर जो कैंडल्स हैं वो क्या है, आपके लोअर बैंड में है, बॉलिंजर बैंड कैसा है, बिल्कुल श्रिंक्ड है, ठीक है, इतना ज्यादा स्पेस नहीं है, तो यहां से मार्केट का जो ब्रेकडाउन हुआ है वो डाउन डायरेक्शन का हुआ है, ठीक है। तो ये कुछ तरीके हैं जिस पर आप देखोगे। और गाइस एक चीज मैं और बता दूं, अगर आपको और तरीके से समझना है, ठीक है, और अच्छे तरीके से समझना है, तो अभी मैं आपको एक काम बताता हूं, आप इसको छोड़ो, YouTube चैनल के ऊपर जाओ, ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी ऑलरेडी मैंने आप लोगों के लिए बना रखी है, ठीक है। कौन सी वाली होगी, आप एक बार मेरे चैनल पर जाएंगे तो आप डाल दीजिए ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बाय O2 हेल्प, तो डेफिनेटली आपको मिल जाएगी। अदरवाइज मैं क्या करूंगा, टेलीग्राम के ऊपर इस वीडियो के बाद एक लिंक डाल दूंगा ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी का, ये ब्रेकआउट ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी है, ये भी है एक, और इसकी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो आप लोगों के लिए बना करके रखी है, तो आप उसको प्रीफर कर सकते हैं, आप जाओ वहां से सीखो और समझो कि एक्चुअल में ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन कैसे होता है। ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के लिए एक और बेस्ट ऑप्शन होता है गाइज, उसके लिए आप यहां से एक जिगजैग को यूज कर सकते हैं, और जिगजैग की जो सेटिंग है वो 6x5 की रख सकते हैं, ठीक है, ये सेटिंग। तो यहां पर क्या होता है कि जहां जहां पर आपको ये कॉर्नर्स मिलते हैं तो इन कॉर्नर्स के थ्रू आप आइडेंटिफाई करते हैं। वीडियो को इसको हम लंबा नहीं करेंगे, आप लोग समझ लो कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बाय O2 हेल्प जाकर के सर्च कर लो, अदरवाइज टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहां पर मैं लिंक देता रहता हूँ आपको, टाइम टू टाइम मैं आपको लर्निंग चीजें प्रोवाइड करने की कोशिश करता रहता हूँ, आप देख लेना, थोड़ा सा मेहनत कर लेना, ठीक है, सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा ये वाली स्ट्रेटेजी, ठीक है, ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी आप देख लो, समझ में आएगा आपको कि कैसे ब्रेकआउट हो रहा है, ठीक है। नाउ हमने हमारे यहाँ पर चार्ट पर बॉलिंजर बैंड के साथ में पैराबोलिक को क्यों इंक्लूड किया है वो समझ लेते हैं, ठीक है। लेट सपोज कि ये मेरा चार्ट है जहां पर हम ट्रेड करेंगे, दूसरा हमने जिस करेंसी में ट्रेड किया था वो थी हमारी ये वाली करेंसी, ठीक है। यहां पर मैं क्या समझूंगा, यहां पर मैं ये समझूंगा कि मैंने बताया कि इस लाइन पर, ठीक है, बीच वाली लाइन है, ये मिडिल बैंड है, तो पहले तो मुझे ये समझना है कि मार्केट नीचे से ऊपर गया तो ये रेजिस्टेंस दे रहा है, ठीक है। साथ में मुझे ये भी समझना है कि मार्केट ऊपर से नीचे आया ये वाली कैंडल तो ये क्या दे रही है, मार्केट को सपोर्ट दे रही है, तो यहां पर हमें क्लियरिटी नहीं है मार्केट नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा, मैं इस पॉइंट पर कहां की ट्रेड लगाऊं सर, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज रहता है, इवन बहुत सारे लगाते भी हैं जिसकी वजह से उनको लॉस होता है।
लेकिन इस चीज को और क्लियर करने के लिए आप लोग ये समझ लो कि पैराबोलिक आपको नीचे से ऊपर से सपोर्ट कर रहा है कि डाउन डायरेक्शन का मार्केट है। तो आपने क्या करना है कि मार्केट अगर नीचे की तरफ आ रहा है, यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है और पैराबोलिक ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो आप भाई मत लो ऊपर की ट्रेड। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको लॉस हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर ट्रेड लगाता हूँ, इतना ज्यादा वॉलेटाइल मार्केट है गाइस, ठीक है, पता ही नहीं चल रहा है मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, मेरा लॉस होने का चांस बहुत हो जाएगा। तो पैराबोलिक को हमने इसी तरीके से यहाँ पर सपोर्ट में अपने लिया है, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ पर आकर के सपोर्ट ले रहा है, ठीक है, मैं आपको क्या बताऊं, कंडीशंस आपको देखनी है। कैसी कंडीशंस आपको देखनी है, मार्केट ऊपर गया, ठीक है, यहां पर क्या था, रेजिस्टेंस या सपोर्ट जो भी होता, बट यहां से मुझे पैराबोलिक इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट नाउ विल गो इन डाउन डायरेक्शन, कंडीशन यहाँ फुलफिल हो रही है, ठीक है। तो मैं डाउन डायरेक्शन की ट्रेड्स लगाता जा रहा हूँ, लगाता जा रहा हूँ, लगाता जा रहा हूँ। अब मैं एज पर माई स्ट्रेटेजी ये भी जानता हूँ कि यहां तक मार्केट जा सकता है, ठीक है, बट जैसे ही मुझे पैराबोलिक नीचे से मिलता है, दैट मीन्स कि भाई स्टॉप, नाउ यू आर टेकिंग रॉन्ग ट्रेड्स, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको अवॉइड करना है, क्योंकि अब यहां से पैराबोलिक आपको सपोर्ट कर रहा है कि नहीं भाई मार्केट अब चेंज हो रहा है, मार्केट 2-4 मिनट के लिए हो सकता है करेक्शन हो, ट्रेंड तो डाउन रहेगा नो डाउट, बट करेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर आपको अवॉइड करना है। इसी तरीके से आप यहां पर देखो कि मार्केट ऊपर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, ठीक है, यहां से तो मार्केट ऊपर ही की डायरेक्शन में ही है ना पैराबोलिक के। तो यहां पर क्या हो रहा है गाइज कि सब कुछ ठीक है, पैराबोलिक आपको यहां पर क्या इंडिकेट कर रहा है कि नहीं भाई ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है मार्केट। तो आपको क्या करना है कि इन सपोर्ट्स पे ट्रस्ट नहीं करना है, ठीक है। तो देखो यार मैं आपको यहाँ पर क्या बता रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कैसे ट्रेड्स करने हैं, इवन यार मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि कैसे आपको अवॉइड करना है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है आप लोग क्लियरली समझ लो, ये वाला मेरा क्या करेगा, मार्केट को सपोर्ट करेगा, कि हमने क्या डिसाइड किया था कि लोअर बैंड हमें सपोर्ट देता है। तो मैं क्या करूंगा गाइस, तो मैं यहाँ से अप डायरेक्शन की ट्रेड्स करूंगा, मल्टीपल ट्रेड्स मैंने अप डायरेक्शन के करें। क्यों करें, सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये मार्केट को सपोर्ट देगा, एटलीस्ट 1 मिनट की तो सपोर्ट देगा, ठीक है। अगर ब्रेकआउट होता भी है डाउन डायरेक्शन का, ब्रेकडाउन होता भी है डाउन डायरेक्शन का, तो मैं क्या करूंगा, मैं रिकवर करूंगा, ठीक है। कैसे रिकवर करूंगा ये मैं आपको इसी वीडियो के थ्रू दिखाऊंगा और बताऊंगा। अब यहां पर क्या हो रहा है गाइस, यहां पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि मैंने अप डायरेक्शन का ट्रेड क्यों लिया है। देखो यार मैंने आपको बताया बोलिंजर बैंड के लोअर पार्ट में मार्केट है, तो डाउन डायरेक्शन का अब ट्रेंड है, और मैंने आपको ये भी बताया कि मार्केट अगर डाउन डायरेक्शन के ट्रेंड में है इतने टाइम के लिए, तो आपको मार्केट के ट्रेंड के अगेंस्ट जाकर के ट्रेड नहीं लेना है, ये भी मैंने आपको बताया, ठीक है। बट गाइज मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि ट्रेंड इज ओके, बट इफ यू आर गेटिंग एनी सपोर्ट, एनी रेजिस्टेंस, ठीक है, तो आपने क्या करना है, आप वहां पर रिस्क ले सकते हो, ठीक है। जैसे मैं यहां पर ले रहा हूं, तो मैंने यहां पर कुछ ट्रेड्स लगाए थे और सारे ट्रेड्स 1 मिनट की प्रेडिक्शंस के हिसाब से मेरे विन हुए हैं, ठीक है। तो यहां पर ये मार्केट मेरा यहां पर सपोर्ट देके गया, ठीक है, इवन हम इसी को काउंट करते हैं गाइस जो मेरा बॉलिंजर बैंड है। अगर थोड़ा सा और डिटेल में बताऊंगा तो फिर बॉलिंजर बैंड का जो ऊपर की जो कैंडल्स हैं ये पॉइंट हम लेंगे, ठीक है, और यहीं पर हमने ट्रेड लगाया है अप डायरेक्शन का। क्यों लगाया है, क्योंकि देखो यार मार्केट में यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 कैंडल्स ने सपोर्ट लिया, मार्केट नियर बाय आया, उससे पहले ही सपोर्ट लेकर के चला गया, उससे पिछली वाली कैंडल उससे नीचे नहीं जा पाई, तो यहाँ पर इतने सपोर्ट्स और इन सपोर्ट्स के बाद भी यहाँ पर बोलिंजर बैंड का सपोर्ट, इवन देखो यार ये कैंडल भी इस सपोर्ट को तोड़ नहीं पा रही है, समझ रहे हो मेरी बात। तो यहां पर बॉलिंजर बैंड का तो सपोर्ट है ही, और साथ में जो पिछले मार्केट का प्राइस है वो भी सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो मैंने इस कैंडल पर लिया था, उसकी अगली कैंडल भी देखो अपर डायरेक्शन की रही है, नॉट दैट मच यू कैन काउंट इट एज इज डोजी, बट ठीक है, कहीं ना कहीं हमारी एनालिसिस काम कर रही है, ठीक है। और ये कैंडल भी देखो इतनी जल्दी से डाउन नहीं जा रही है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिसकी बेसिस पर, जिनके बिहाफ के ऊपर अगर आप ट्रेड्स करते हो तो डेफिनेटली अच्छे प्रॉफिट्स आप लोग करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि गाइज जितने भी ट्रेड्स हमने बैक टू बैक लगाए, ठीक है, सारे ट्रेड्स, एक हमारा जो रिफंड था, ठीक है, ऑलमोस्ट सारे ट्रेड्स हमारे यहाँ पर प्रॉफिट्स में क्लोज है, ठीक है। अब एक और चीज मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आपको सबसे पहले क्या देखना है।
रिमाइंड कराता रहता हूँ यार। देखो आप लोगों को मैं ट्राई करता हूँ कि जितना ज्यादा रिवीजन करा पाऊँ, जितनी ज्यादा चीजें आपको बता पाऊँ आपके बेनिफिट के लिए, वो उतना ज्यादा आपको हेल्प करेंगी। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आपको ये करना है कि यूट्यूब चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, बिना सब्सक्राइब करे आप देख रहे हो दैट मीन्स कि आप चोरी कर रहे हो। सब्सक्राइब कर लो, वेल नोटिफिकेशन दबा लो। ठीक है, जिससे क्या होगा, आप ही का फायदा होगा, मेरा भी फायदा होगा कि मुझे मोटिवेशन मिलेगी, अच्छा लगेगा कि ठीक है यार आप सपोर्ट करते हो तो कंटेंट आपके लिए बनाना चाहिए। ठीक है, इसके साथ में ही गाइस आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। फटाफट से जाओ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। ठीक है, वहां पर आपको सिग्नल्स मिलते हैं, आपको टाइम टू टाइम एजुकेशनल कोई चीज होती है मेरे पास, जैसे मैं पिक्चर के थ्रू चीजें डालने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए टाइम टू टाइम, कि कैसे ये फॉलोइंग थ्री मेथड्स होते हैं या कैसे क्या होता है, तो सब चीजें मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ जितना बेस्ट मैं कर सकता हूँ। बात हम कर रहे थे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, अगर हम 2 मिनट की ट्रेडिंग यहाँ पर कहीं पर करते हैं तो ये रिस्की हो सकती है डाउन डायरेक्शन की, क्योंकि मार्केट का ये वाला सपोर्ट बड़ा स्ट्रॉन्ग है गाइस। ठीक है, तो पहली चीज हमें क्या करनी है, हमें मार्केट का ट्रेंड देखना है बॉलिंजर बैंड लगा करके। ठीक है, दूसरा हमें क्या देखना है, हमारा कौन सा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है जो एग्जिस्टिंग है या उससे प्रीवियस है, जो मार्केट को अभी की कंडीशंस पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, ये हमें देखना है। देखो ये कैंडल ट्राई कर रही है, बट मैंने आपको ये भी बताया अगर ये सपोर्ट भी टूट रहा है, ब्रेकडाउन हो भी रहा है, लेकिन ये तो भाई लोअर बैंड सपोर्ट देगा। मैंने आपको यही बताया कि लोअर बैंड मार्केट को नीचे आते टाइम सपोर्ट देता है, ऊपर जाते टाइम अपर बैंड सपोर्ट देता है, और मार्केट ऊपर से नीचे आता है तो मिडिल बैंड सपोर्ट देता है, जब मार्केट नीचे से ऊपर जाता है तो मिडिल बैंड रेजिस्टेंस देता है। ठीक है, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस हो गया। ऑलराइट, तो आपको बोलिंजर बैंड से ये तीन चीजें जब कंफर्म हो जाएंगी तो उसके बाद आपको देखना है ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट का। ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन की भी कुछ चीजें मैंने आपको कॉन्सेप्चुअल बताने की कोशिश करी है, आप उनको प्रीफर कर सकते हो, जाकर के देख लो। ठीक है, साथ में गाइस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक वीडियो के नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, तो वहां से आपको चीजें सीखने को मिलेंगी। तो जब भी आप मार्केट में आते हो, ठीक है, जब भी आप मार्केट में आते हो और आप अपनी कॉन्सेप्चुअल जो चीजें हैं गाइस, ठीक है, आप अपनी जो थियोरिटिकल नॉलेज है, जब वो आप अपने एक्सपीरियंस के साथ मिलाते हो, प्रैक्टिस के साथ मिलाते हो, तो फिर आप लोगों को अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो यहां पर हमारी कौन सी थ्योरी काम आ रही है गाइस, कि यहां पर हमारी ब्रेकडाउन, ठीक है, ब्रेकडाउन वाली जो कॉन्सेप्ट है, ब्रेकडाउन वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं ट्रेड यहां पर मैंने डाउन डायरेक्शन के लगाए हैं, और आप लोग देख सकते हो कि ब्रेकडाउन कॉन्सेप्ट यहां पर क्लियरली एक अच्छा रिजल्ट हमें देने अभी जा रहा है विद इन 20 सेकेंड्स। ठीक है, तो विदाउट विदाउट एनी सिंगल लॉसेस कैसे मैं प्रॉफिट कर रहा हूँ गाइस। देखो जब मुझे यहाँ पर लग रहा है कि मार्केट विल गो और मार्केट यहाँ पे ब्रेक डाउन देगा डाउन डायरेक्शन का, तो मैं डाउन डायरेक्शन के ट्रेड्स ले रहा हूँ। ठीक है, जब मुझे ये पता चल रहा है कि मार्केट अप डायरेक्शन में जाएगा या डाउन डायरेक्शन में जाएगा, तो मैं ट्रेंड के अगेंस्ट भी जाकर के ट्रेड कर रहा हूँ। ठीक है, यही चीजें मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ठंडे दिमाग से जब आप ट्रेड करेंगे तो डेफिनेटली दिस इज द बेस्ट वर्किंग स्ट्रेटेजी फॉर ओलिम ट्रेड, इवन फॉर 1 मिनट और इवन 2 मिनट, आप किसी भी टाइम फ्रेम पर ये स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये अब आपका एक ज्यादा लेवल का मार्केट का ब्रेकडाउन हो गया, तो दैट मींस कि अब मार्केट यहाँ से अप जा सकता है, तो मैं यहाँ से अप डायरेक्शन की ट्रेड कर दूंगा। सिंपल और इजी कॉन्सेप्ट, इसको ज्यादा टफ करने की जरूरत है नहीं। ठीक है, बहुत आसान, जितना आसान आप इसको रखोगे उतने आसानी से आपको प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स आएंगे। ठीक है, अब यहां पर आप मुझे कहोगे कि सर आपने यहां से अप डायरेक्शन का ट्रेड क्यों ले लिया जब ब्रेकडाउन हो गया, तो भाई मैंने आपको ये भी बताया कि ये जो बैंड है, ठीक है, ये जो बॉलिंजर बैंड है, ये आपको मार्केट में क्या बताता है गाइज, ये आपको मार्केट में ये चीजें बताता है कि मार्केट जो है, ठीक है, मार्केट का वॉल्यूम, मार्केट की वॉलेटिलिटी, मार्केट का प्राइस, वो क्या होगा, वो इस बॉलिंजर बैंड के अंदर तक ही रह सकता है। ठीक है, अंदर तक ही सीमित रह सकता है। तो ये नॉलेज होती है, और नॉलेज कैसे आती है कि जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे मार्केट से। ठीक है, मैंने देखो यहां से मार्केट में अप डायरेक्शन की ट्रेड्स लगाई हैं, क्या आपको दिख रहा है, क्या मार्केट डाउन डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, 1 मिनट का मेरा कॉन्सेप्ट है, मार्केट यहां पर 1 मिनट के लिए एटलीस्ट अपने आप को ट्राई करेगा कि भाई देखो, इसीलिए मैं कहता हूं यार आप प्रॉपर चीजें देखोगे, प्रॉपर चीजें फॉलो करोगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, तो यहां से अगेन जो ट्रेड्स हमने लगाए थे वो सारे ट्रेड्स हमारे प्रॉफिट में क्लोज हुए हैं, आप लोग यहां पर देख लो। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटेजी है। इवन गाइज यू कैन गेट 100% प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स विद दिस वर्किंग स्ट्रेटेजी फॉर ओलिम ट्रेड। मैं आपको बोलता हूँ यार,
दिस इज द बेस्ट वर्किंग स्ट्रेटेजी ऑफ ओलिमट्रेड फॉर 1 मिनट, इवन फॉर 2 मिनट्स, ठीक है? तो जाओ गाइज इसको ट्राई करो, बहुत सारे मेरे एफर्ट्स लगे हैं यहाँ पर आपको ये चीजें एक्सप्लेन करने में। कॉन्सेप्ट्स मैंने जितने ज्यादा हो सकते हैं उतने ज्यादा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिशें करी हैं, ठीक है? तो इसीलिए यार ये वीडियो को लाइक करके, एक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके, इसी वाले को एक लाइक और एक कॉमेंट आप छोड़ देना कि कैसा वीडियो लगा, कैसा कॉन्सेप्ट आपके रहे, ठीक है? सब कुछ आप लोगों के लिए है, आप लोगों से ही है, तो आप उसको फॉलो करो, ठीक है? इवन गाइज अगर आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो मेक श्योर यू हैव ज्वाइन टेलीग्राम चैनल फॉर क्वालिटी सिग्नल्स एंड नॉलेजेबल कंटेंट, ठीक है? जाओ ज्वाइन करो, सारी चीजों के लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलने वाले गाइज, फटाफट से जाओ, सब कुछ फ्री है। मैं मिल दूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, कीप अर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच गाइज।